हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सो आज जैसे मैं आपके लिए लाया हूँ महिंद्रा की तरफ से आने वाली नई नई मॉडल की अपनी 3XO, जिसका ये आप देख रहे हैं AX5 वेरिएंट। इसके बारे में जैसे आज अपन इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, और अपन जैसे इस वाले वीडियो में इसके सारे फीचर वगैरह अपन देखेंगे, साथ ही जैसे इस कार में अपने को क्या मिल जाता है, क्या क्या ऑफर किया जाता है वो अपन देखेंगे। तो जैसे अपन इसके सबसे पहले प्राइस वगैरह की बात करें, तो ये जैसे नॉर्मली अपनी एक्स शोरूम प्राइस मिल जाती है 10,49,000 के समथिंग, और वहीं जैसे इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो वो अपने को 12 लाख से अपने को 12.5 लाख के बीच में मिल जाती है। हर एक जैसे सिटी टू सिटी अलग अलग मिल जाती है। अब जैसे इसके अपन फ्रंट से शुरू करते हैं, सबसे पहले तो फ्रंट में जैसे यहाँ अपने को महिंद्रा का नया लोगो मिल जाता है, साथ ही जैसे इसमें अपने को यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, और ये सिल्वर स्ट्रिप वगैरह कुछ मिल जाती है। इसमें काफ़ी बढ़िया फ्रंट से देखने में लगती है, और जैसे काफ़ी इसका लुक्स काफ़ी बढ़िया पहले वाली जैसे 300 के जैसी है साइज़ में, बट जैसे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज करी है, जैसे हेडलैम्प वगैरह चेंज करी है, साथ में जैसे अंदर की तरफ भी कुछ चीज़ें चेंज हुई है, तो वो अपडेटेड अपने को इसमें मिल जाती है। अब जैसे फ्रंट में यहाँ नीचे की तरफ अपन देखें तो लोअर ग्रिल अपने को यहाँ पर मिल जाती है, रेडिएटर प्रॉपर विजिबल रहेगा। यहाँ फ्रंट में अपन जैसे अब आगे लाइट्स की बात करें तो लाइट्स अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। लाइट्स में जैसे DRL वगैरह मिल जाएंगे, साथ ही जैसे प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है अपना। प्रोजेक्टर में अपने को हाई बीम और लो बीम इसी में मिल जाएगा, साथ ही ये अपने को LED सेटअप ही रहेगा। यहाँ पे ये अपनी DRL वगैरह कुछ इस तरीके से फंक्शन में रहेगी, काफ़ी बढ़िया ये DRL वगैरह भी सामने से देखने में लगते हैं। इसमें जैसे फोग लैंप का ऑप्शन नहीं है, इससे अपर वेरिएंट लेंगे तो उसमें अपने को मिल जाता है। साथ ही जैसे इसके साइड में अपन चले फ्रंट में, जैसे एक चीज़ और मैं बताता हूँ, फ्रंट में जैसे यहाँ नीचे की तरफ अपने को सिल्वर कलर की स्किड प्लेट वगैरह मिल जाती है। साइड में अपन बात करें, साइड में यहाँ अपने को ORVM मिल जाते हैं, वो अपने को ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, पियानो ब्लैक डिज़ाइन में। काफ़ी बढ़िया जैसे लुक्स वगैरह रह जाते हैं इसके साइड से भी। यहाँ जैसे अपने को साइड बॉडी क्लेडिंग वगैरह मिल जाएगी प्रॉपर ब्लैक कलर में ही। यहाँ जैसे सबसे पहले व्हील्स की बात करें तो व्हील्स अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं, डायमंड के अलॉय व्हील मिल जाते हैं इसमें, और चारों ही व्हील्स में अपने को डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। टायर साइज़ की अपन बात करें तो टायर साइज़ इसकी जैसे 205x65 R16 की अपने को रिंग मिल जाती है, ये R16 की अपने को मिल जाती है। आगे पीछे काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया हो जाती है, साथ ही जैसे इसमें चारों ही अपने को डिस्क ब्रेक मिलते हैं, तो ब्रेकिंग वगैरह सारी सब चीज़ बढ़िया हो जाती है। साइड में और अपन बात करें तो यहाँ साइड लुक कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पास में अपन चले तो इसमें जैसे कुछ एसेसरीज़ वगैरह भी लगी हुई है, जैसे रेन वाइजर आप देख रहे हो तो ये एसेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ साइड में अपन डोर पर देखें, यहाँ पे अपने को रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मिल जाएगा कीलेस एंट्री के लिए। यहाँ ऊपर देखें अपन, ऊपर अपने को रूफ रेल्स मिल जाती है ब्लैक कलर की। बाकी यहाँ अपने को सनरूफ मिल जाता है छोटा वाला, साग पिन एंटीना मिल जाता है। नीचे की तरफ अपन देखें, यहाँ पीछे कुछ इस तरीके से इसकी लुक रहेगी। अब अपन जैसे बैक की बात करें तो बैक से कुछ इस तरीके से अपने को लुक मिल जाएगा। यहाँ अपने को प्रॉपर कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, साथ ही 3XO की बेजिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। अब जैसे ऊपर की तरफ अपन बात करें तो ऊपर अपने को जो एंटीना मिलता है वो कुछ इस तरीके से अपने को माइक्रो रूप एंटीना मिल जाएगा। हाई स्टॉप लैंप अपने को यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ अपन को वाइपर वॉशर और डिफोगर मिल जाता है। उसके नीचे अपने को यहाँ पे कनेक्टेड हुई लाइट वगैरह मिल जाएगी। इस साइड अपन लाइट में देखें तो ब्रेक लाइट अपने को यहाँ पर मिल जाती है, और ये अपना टर्न इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर हो जाता है। यहाँ नीचे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है अपने को, और XUV 3XO की यहाँ पर अपने को बेजिंग मिल जाती है। और उसके नीचे अपन देखें तो यहाँ अपने को रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट अपने को यहाँ मिल जाती है, और रिफ्लेक्टर अपने यहाँ पे हो जाते हैं, और जैसे यहाँ पीछे अपने को पार्किंग सेंसर यहाँ पे और यहाँ पे मिल जाता है। नीचे की तरफ अपने को वही सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। एग्जॉस्ट वगैरह अपन देखें तो कुछ इस तरीके से अपना एग्जॉस्ट रहेगा इस जगह पर नीचे। अब जैसे इसके अपन बूट की बात करें तो बूट अपने को खोलने के लिए इसके बूट का यहाँ पर ही अपने को बटन मिल जाता है, एकदम हिडन बटन है, दिखता भी नहीं और पता भी नहीं चलता कहाँ पे बटन है। अब जैसे इसके बूट की बात करें अपन तो 364 लीटर का अपने को बूट मिल जाता है। कुछ इस तरीके से अपने को बूट मिल जाएगा। पीछे अपने को कोई पार्सल ट्रे की प्लेसमेंट नहीं मिलती है। नॉर्मल अपन जैसे बूट की बात करें तो लोडिंग लिप तो काफ़ी ज़्यादा है, बट बूट अच्छा खासा अपने को बूट मिल जाता है। बूट में यहाँ नीचे अपन बात करें तो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट और टूल किट की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। स्पेयर व्हील की साइज़ की अपन बात करें तो ये भी अपने को नॉर्मल वही R16 की रिम के साथ में मिल जाता है, स्टील व्हील मिलता है बट। अब जैसे बूट को अपन क्लोज करते हैं और चलते हैं इसके पीछे वाली सीट पे और देखते हैं कि पीछे अपने को क्या मिल जाता है। तो यहाँ जैसे पीछे वाले डोर की अपन बात करें तो काफ़ी वाइड जैसे डोर ओपन होता है, साथ ही जैसे यहाँ डोर पे अपन बात करें तो डोर का जैसे अपने को ड्यूल टोन, पहली बात इसमें जैसे अपने को ड्यूल टोन इंटीरियर वगैरह मिल जाएगा। अब जैसे डोर की अपन बात करें तो यहाँ अपने को सिल्वर कलर के डोर हैंडल वगैरह मिल जाएंगे।
यहाँ पे अपने को स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ अपन बात करें यहाँ अपने को पियानो ब्लैक डिज़ाइन में यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ अपने डोर हैंडल वगैरह हो जाता है, आर्मरेस्ट वगैरह अपने को यहाँ पे हल्का सा मिल जाता है, यहाँ पे अपने को हल्की सी लेदर फिनिश के साथ में काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट टच मिल जाता है। नीचे की तरफ अपन बात करें तो यहाँ अपने को 1 लीटर बोटल स्पेस मिल जाता है, यहाँ अपने को कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगा। अब जैसे अपन अंदर की बात करें तो अंदर अपने को कुछ इस तरीके से इंटीरियर मिल जाएगा, यहाँ जैसे सीट्स वगैरह अपने को प्रॉपर ब्लैक कलर की मिलेगी, और यहाँ पे जैसे फैब्रिक सीट ही मिलती है, इस वाले वेरिएंट में लेदर सीट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। सीट्स की अपन बात करें तो प्रॉपर बेंच फोल्ड ही अपने को सीट मिल जाती है, 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में आर्मरेस्ट वगैरह अपने को यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया अपना आर्मरेस्ट की पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया है, कोई इशू नहीं होता है। साथ में अपने को ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ जैसे सीट को फोल्ड करने के लिए कुछ इस तरीके से अपने को यहाँ हुक मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से अपन सीट फोल्ड हो जाते हैं, 60-40 स्प्लिट सीट ही रहेगी अपनी, और सीट को वापस ऊपर करने के लिए कुछ इससे पीछे अपने को 3 अपने को सीट बेल्ट वगैरह मिल जाएगी। अब जैसे इसके अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ देखते हैं कि अपने को कम्फर्ट वगैरह कैसा मिलता है, तो यहाँ से जैसे कुछ इस तरीके से स्पेस वगैरह मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया जैसे इसमें स्पेस मिल जाती है, पीछे की तरफ लेग रूम वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, साथ में अपने को नी रूम वगैरह भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी थोड़ा बढ़िया मिल जाता है। बट जैसे एक चीज़ इसमें है कि यहाँ जैसे सीट की जो हाइट वगैरह है आगे की सीट के मुकाबले पीछे की हाइट थोड़ी नीचे की तरफ मिलती है अपने को, बाकी 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ अपन बात करें अंदर की तरफ, यहाँ अपने को हैंडल मिल जाता है कोट हैंगर के साथ में, इस साइड भी अपने को हैंडल मिल जाएगा कोट हैंगर के साथ में। यहाँ अपन सेंटर में बात करें यहाँ अपने को लाइट मिल जाती है, हेलोजन लाइट ही मिलती है, बाकी अपने को एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है, टोटल अपने को इस कार में 6 एयरबैग मिल जाते हैं, बाकी वो चीज़ अभी अपन बाद में बात करते हैं। बाकी पीछे की तरफ से फ्रंट का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से अपना विजिबल रहेगा। यहाँ सेंटर में अब अपन देख लेते हैं, सेंटर में यहाँ AC के वेंट वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ एक टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, बाकी कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगी। नीचे की तरफ अपने को 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और सबसे जैसे एक चीज़ अच्छी यहाँ सेंटर में जैसे हम्प नहीं है, हम्प मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो 3 पैसेंजर बैठने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। पीछे की तरफ जैसे अब अपन ने सब देख लिया, तो अब चलते हैं इसके फ्रंट रो की तरफ और देखते हैं कि ड्राइवर साइड अपने को डोर पे क्या क्या फीचर मिल जाता है। सबसे पहला यहाँ अपने को मिल जाता है कीलेस एंट्री, और जैसे यहाँ अपन डोर की बात करें अब तो डोर पे यहाँ अपन देखें, डोर पे यहाँ अपने को सिल्वर कलर के डोर हैंडल वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी इस कार में, जैसे अपने को 2 ट्विटर और 4 स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, यहाँ स्पीकर की प्लेसमेंट हो जाती है अपनी, यहाँ अपने जैसे सारे पियानो ब्लैक डिज़ाइन मिल जाती है अपने को, विंडो के सारे कंट्रोल अपने को यहाँ मिल जाते हैं, ORVM के कंट्रोल अपने यहाँ मिल जाते हैं, ORVM अपने फोल्डेबल रहेंगे और एडजस्टेबल रहेंगे। यहाँ ड्राइवर साइड ऑटो अपने को मिल जाती है, ऑटो पर ऑटो डाउन मिल जाती है, इस साइड अपने कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगी, यहाँ सॉफ्ट टच के साथ में अपने को लेदर मिल जाता है। नीचे की तरफ अपन बात करें, नीचे अपने को कुछ बोतल स्पेस मिल जाती है, एक यहाँ 1 लीटर की और आधे लीटर की बोतल अपने यहाँ रख सकते हैं, यहाँ फिर से कुछ स्पेस मिल जाती है, और यहाँ जैसे अपने को कुछ रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट भी मिल जाती है। अंदर की तरफ अपन बात करें, अंदर जैसे सीट्स की बात कर लेते हैं, पहले सीट में अपने को क्या कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ सीट के कंट्रोल की बात करें तो यहाँ अपने को हाइट एडजस्टमेंट के साथ में सीट मिल जाती है, बाकी स्लाइडिंग और रिक्लाइन के अपने को ऑप्शन मिल ही जाते हैं। इस साइड यहाँ अपन बात कर लेते हैं, नॉर्मली यहाँ जैसे अपने को AC वेंट मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ में मिल जाएंगे, बाकी इसके अंदर बैठते हैं और अंदर अपन देखते हैं कि अंदर अपने को किस तरीके से कम्फर्ट वगैरह मिलता है, क्या क्या फीचर मिलता है। तो अब अपन जैसे इसके अंदर आ चुके हैं, अब जैसे अपन सबसे पहले देख लेते हैं इसकी की, तो की अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, महिंद्रा की टिपिकल की मिल जाती है, एक साइड अपने को महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, दूसरी साइड अपने को लॉक अनलॉक के फीचर, साथ में बूट रिलीज का ऑप्शन मिल जाता है, फ्लिप की का भी ऑप्शन मिल जाता है, और जैसे एक चीज़ मैं बता दूँ, इस वाले वेरियंट में अपने को पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, जो अपने को कुछ इस तरीके का प्लेसमेंट रहेगा। अब जैसे अपन कार को ऑन करते हैं और देखते हैं कि अंदर अपने को क्या फीचर वगैरह मिलता है, तो कुछ इस तरीके से अपने को यहाँ इंटीरियर वगैरह मिल जाएगा। अब जैसे अपन यहाँ इंटीरियर की बात करें, तो इंटीरियर अपने एक बार आप डैशबोर्ड देख लीजिए, प्रॉपर अपने को डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ जैसे अब अपन देखते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील अपने को कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, यहाँ अपने को प्रॉपर लेदर है, अपने को स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, साथ में यहाँ अपने को महिंद्रा का लोगो मिल जाता है, यहाँ अपन देखें तो प्रॉपर अपने को पियानो ब्लैक इंसर्ट्स वगैरह मिल जाएगी। इस साइड अपन देखें तो इस साइड अपने को कुछ मीडिया के कंट्रोल वगैरह मिल जाएंगे, सारे मीडिया के कंट्रोल अपने को इस तरफ मिल जाता है, फ़ोन उठाने और काटने का बटन भी यहाँ पर मिल जाता है। इस साइड अपन बात करें, इस साइड अपने को क्रूज कंट्रोल मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ अपन इस वाले डिस्प्ले के लिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए अपने को यहाँ कंट्रोल मिल जाते हैं, और
एक चीज अपन यहाँ देखे, यहाँ अपने को वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, पीछे वाले वाइपर और आगे वाले वाइपर का कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। इस साइड अपन देखे ये अपने लाइट के कंट्रोल, और लाइट जैसे एक चीज मैं पहले बताना भूल गया, लाइट अपने को इसमें ऑटोमेटिक मिलती है। अब अपन चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सबसे पहले इस साइड अपने को आरपीएम मीटर मिल जाता है, इस साइड अपने को स्पीडोमीटर मिल जाता है, साथ में जैसे फ्यूल लेवलर अपने को इस जगह मिलता है, और जो इंजन टेम्परेचर की वार्निंग इस साइड बताता है, साथ में अपने को सेंटर में मल्टी डिस्प्ले मिल जाती है। तो वो कुछ इस तरीके से अपना मल्टी डिस्प्ले रहेगा, जहां अपन ड्राइवर इन्फॉर्मेशन वगैरह, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, नेविगेशन और डिस्प्ले लेआउट वगैरह अपन यहां से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग वगैरह यहां पे मिल जाती, कुछ अलर्ट हिस्ट्री वगैरह मिल जाएगी। अब जैसे ड्राइवर इन्फॉर्मेशन देखे अपन, सबसे पहले यहाँ अपने को ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह मिल जाएगी, ये कुछ इस तरीके से ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाएगी, और टोटल अपने को टाइमिंग वगैरह भी बता देगा। ऊपर की तरफ यहाँ टेम्परेचर वगैरह और टाइमिंग वगैरह बता देगा। यहाँ और चीज़ अपन देखे इसमें, जैसे एक चीज़ डिस्प्ले लेआउट में, सेटिंग वगैरह में तो अपने को यहाँ के सेटिंग वगैरह मिल जाएगी। डिस्प्ले लेआउट में अपन देखे तो ये काफ़ी सारे अपने को डिस्प्ले लेआउट मिल जाता है, ये नॉर्मल वाला, ये इन्फॉर्मेशन वाला, ये अपने को मिनिमल वाला, ये नॉर्मल, अभी जैसे नॉर्मल चल रहा था, अब जैसे इसमें अपन ने इन्फॉर्मेशन वाला डाल दिया तो ये कुछ इस तरीके से इसमें सारा चेंज हो जाएगा। अब जैसे इसमें ये चीज़ें अपनी छोटी हो गई, और अपनी मेन जो सेंटर का डिस्प्ले था वो बड़ा हो गया। वापस जैसे अपन करें इसमें ड्राइवर इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो एक सेकंड, वापस जैसे अपन इसमें वही चीज़ें अपन लेआउट वापस चेंज करने की कोशिश करें, तो ये कुछ इस तरीके से अपना लेआउट हो गया। लेआउट यहाँ पे अपन चेंज करें तो यहाँ वापस जैसे इन्फॉर्मेशन, ये मिनिमल, मिनिमल वाला एक बार अपन लगा के देखते हैं, तो मिनिमल में कुछ इस तरीके से अपना यहाँ हो जाएगा। सारे जैसे काफ़ी बढ़िया इसमें फंक्शन मिल जाता है कम्प्लीटली। अब अपन चलते हैं इसके सेंटर की तरफ। सेंटर में अपन बात करें, यहाँ अपने को जो इन्फोटेनमेंट मिलता है ये अपने को 10.25 इंच का मिल जाता है, 10.25 के समथिंग अपने को मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट करता है। इसमें अपने को काफ़ी सारे फंक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे एसी के जैसे कंट्रोल्स भी अपने को यहाँ दिख जाते हैं, प्रॉपर अपने एसी की यहाँ पे दिख जाती है, और इससे ही अपन कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ जैसे एप्स वगैरह में अपन देखें तो क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोल वगैरह, जस्ट डायल वगैरह, जो महिंद्रा की टिपिकल फंक्शन वगैरह रहते हैं वो इसमें मिल जाते हैं सारे अपने को, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह। और यहाँ ऊपर की तरफ से अपन बात करें तो यहाँ कुछ अपने को रोड साइड असिस्ट SOS वगैरह के मिल जाते हैं, यहाँ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। सेटिंग में अपन देखें, सेटिंग में भी अपने को काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाती है, डिस्प्ले सेटिंग, जनरल व्हीकल, और मतलब वाईफाई वगैरह सब कुछ मिल जाता है। डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्मूथ वर्क करती है। डिस्प्ले के जस्ट नीचे अपने को यहाँ पे कुछ कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसमें होम का कंट्रोल मिल जाता है, बाकी फ़ोन रेडियो सेटिंग और ये इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। उसके नीचे अपन देखें तो यहाँ एसी वेंट मिल जाते हैं, ये अपने के एसी वेंट मिल जाते हैं, एसी वेंट के चारों तरफ अपने को सिल्वर इंसर्ट मिल जाती है। उसके नीचे अपन देखें यहाँ पे ये अपने को हेजार्ड लाइट का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए बटन, ये जैसे कुछ चीज़ें अपने स्टेयरिंग के लिए, और यहाँ पर जैसे अपने को एयरबैग ऑन ऑफ का बता देता है, ये अपना रियर डिफोगर ऑन करने के लिए। नीचे की तरफ अपन देखें तो नीचे अपने को एसी के कंट्रोल मिल जाते हैं, ड्यूल जोन अपने को क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है ये, और काफ़ी बढ़िया एसी वर्क करती है इसकी, और सारे एसी के फंक्शन अपने को कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे की तरफ अपन देखें तो यहाँ अपने को वायरलेस चार्जर मिल जाता है, उसके साथ में एक USB चार्जर अपने को यहाँ पे मिल जाता है, ये अपना यहाँ गियरबॉक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ अपने को 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाता है मैनुअल में, बाकी ऑटोमेटिक में भी ऑप्शन मिल जाता है अपना ऑटोमेटिक का भी। रिवर्स गियर की प्लेसमेंट करके देखते हैं अपन। रिवर्स गियर की प्लेसमेंट करने के लिए यहाँ से अपने को इसको पुल करना है और पूरा खींच के रिवर्स गियर लगाना है। रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है, नीचे की तरफ प्लेसमेंट थी तो थोड़ा लोअर दिखेगा अपने को, और जैसे काफ़ी बढ़िया रिवर्स कैमरा की अपने को मिल जाती है। यहाँ जैसे अपने को कोई 360 व्यू नहीं मिलता है, नॉर्मल अपने को कैमरा मिल जाता है, यहाँ गाइडलाइन वगैरह के यहाँ ये, और इस साइड अपना पार्किंग सेंसर वगैरह का बता देता है। अब जैसे रिवर्स कैमरा हटा देते हैं अपन, और अपन यहाँ बात करें अदर चीज़ की, यहाँ अपने को 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और जैसे हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। आर्मरेस्ट की बात करें, आर्मरेस्ट अपना यहाँ पे रहेगा, ये अपना स्लाइडिंग फंक्शन के साथ में नहीं रहता है, ये फिक्स ही रहता है। आर्मरेस्ट के अंदर भी अपने को थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। इस साइड अपन सीट की बात करें तो सीट अपनी कुछ इस तरीके से रहेगी, काफ़ी बढ़िया कंफर्टेबल सीट है। बट जैसे सीट पे अपन बैठने के बाद फ्रंट का बोनट अपने को प्रॉपर मतलब एक तरीके से विजिबल नहीं रहता है। अब जैसे यहाँ अपन बात करें, यहाँ अपने को हैंडल मिल जाता है, इस साइड अपन बात करें इस साइड अपने को वैनिटी मिरर मिल जाता है लाइट के साथ में, इस साइड अपन बात करें दो अपने को लाइट मिल जाती है यहाँ पे, और जैसे यहाँ अपने को सनग्लास होल्डर वगैरह मिल जाएगा, माइक की प्लेसमेंट अपने को यहाँ पे मिल जाती है। इस साइड अपन बात करें तो इस साइड अपने को कुछ भी नहीं मिलता है, नॉर्मल सन वाइजर मिल जाता है। अब मेन चीज़ अपन इसके सनरूफ की बात करें तो सनरूफ अपने को कुछ इस तरीके से मैनुअली ऑपरेटेड मिल जाता है यहाँ पे ब्लाइंड, बाकी जैसे सनरूफ को ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके से इसको प्रेस करके रखना पड़ता है और सनरूफ जैसे प्रॉपर ओपन हो जाता है।
सनरूफ की प्रॉपर ओपनिंग कुछ इस तरीके से इतनी रहेगी, काफ़ी बढ़िया सनरूफ की ओपनिंग वगैरह हो जाएगी। और वन टच क्लोज नहीं है, नहीं ये वन टच क्लोज है और नहीं वन टच ओपन है, इसको अपने को प्रेस करके ही रखना पड़ेगा तब जाके ये बंद होगा। यहाँ आप जैसे वापस इस तरफ आते हैं, यहाँ अपन बात करें तो यहाँ अपने को मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ में IRVM मिल जाता है। नीचे की तरफ अपन यहाँ बात करें तो अपने को SC वेंट वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पियानो ब्लैक इंसर्ट्स वगैरह मिल जाएगी। ग्लव बॉक्स की बात करें अपन तो ग्लव बॉक्स अपने को काफ़ी बढ़िया साइज़ के साथ में मिल जाता है, यहाँ जैसे कुछ इस तरीके से अपने ग्लव बॉक्स, और ग्लव बॉक्स की साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डीप है, तो काफ़ी ज़्यादा अपन स्टोरेज वगैरह कर सकते हैं। तो ये अपन ने इंटीरियर की बात तो कर ली, अब जैसे इसके कुछ सेफ्टी फीचर की बात कर लेते हैं। तो इस कार में जैसे अपने को 6 एयरबैग मिल जाते हैं, साथ में ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारे फंक्शन अपने को मिल जाते हैं। साथ में जैसे इसमें कलर्स की ऑप्शन की बात करें तो काफ़ी सारे अपने को कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, साथ में जैसे ये वाला आप देख रहे हैं इसका वाइट कलर। अब जैसे इसके प्राइस की बात वापस कर लेते हैं, मतलब प्राइस की बात करें तो 10,50,000 के समथिंग इसके एक शोरूम प्राइस मिल जाती है और 12,50,000 के समथिंग इसकी ऑन रोड प्राइस मिल जाती है पेट्रोल में, और जैसे डीजल में अपने को प्राइस डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी ये वाला वीडियो था अपना महिंद्रा की तरफ से आने वाली 3XO का, और जैसे इसका AX5 वेरियंट था। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।